चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेट में चैप्टर नंबर 3 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चलो, आप लोगों को ये ध्यान है कि हमने स्टेट में पहले चैप्टर में ये बात बताई थी कि एक्चुअली स्टेटिस्टिक में किया क्या जाता है। स्टेटिस्टिक में ऐसा होता है कि हमेशा 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि डेटा कलेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। दूसरा स्टेप ये होता है कि उसको अच्छी तरह से क्लासिफाई करना, सजाना उसे। और थर्ड ये होता है कि उसमें से एनालिसिस करना, उसमें से कुछ रिजल्ट निकालना। तो स्टेटिस्टिक के जो पहले 2 चैप्टर थे ना, उसमें हमने पहले 2 स्टेप किए। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, और उनके बारे में सब इन्फॉर्मेशन ली थी ना आपने, बराबर ना। फिर सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था उसका प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करना। वो टेलीमार्क्स की मेथड आपने सेकेंड चैप्टर में देखी, ग्राफिकल मेथड देखी, कैसे ग्राफ बनाते हैं, टेलीमार्क्स कैसे करते हैं, लेस देन मोर देन फ्रिक्वेंसीज कैसे तैयार करते हैं। मतलब प्रेजेंटेशन क्लासिफिकेशन हमने सेकेंड चैप्टर में देखा। अब हमारा थर्ड इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू होता है कि एनालिसिस करना। जो भी इन्फॉर्मेशन मिली ना, उसको एनालिसिस करना, जिसमें थर्ड के बाद के सभी चैप्टर्स इस एनालिसिस के ऊपर ही हैं। अब हमें रियल मेन सम्स करने हैं कि जिसमें सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें जब भी स्टेटिस्टिक के एनालिसिस किए जाते हैं ना, तो सबसे पहले ना उनकी एवरेज ढूंढी जाती है। जो भी इन्फॉर्मेशन हो ना, तो उनमें सबसे पहले एवरेज के ऊपर ध्यान दिया जाता है। आपको जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट में सब चैप्टर के मार्क्स आप लोग पहले नहीं देखते। आप पहले क्या देखते हो पता है? परसेंटेज कितने, एवरेज कितनी है मेरी, पहले वो देखते हो कि नहीं? वो चीज़ पहले ज़रूरी है ना, है कि नहीं? कहीं पर भी कोई भी इन्फॉर्मेशन का जब एनालिसिस किया जाना, रिजल्ट निकाला जाना, तो पहले एवरेज देखते हैं। और स्टेटिस्टिक में अगर एवरेज देखनी हो ना, एवरेज या कहो ये सेंट्रल टेंडेंसी देखनी हो ना, तो उसमें स्टेटिस्टिक के 3 मेन पिलर्स आते हैं। स्टेटिस्टिक के 3 मेन पिलर्स, 3 सबसे ज़रूरी चीज़ें जो कहलाती है मीन, मीडियन एंड मोड। 3 ज़रूरी चीज़ें कौन सी? मीन, मीडियन, मोड। कुछ याद आया? कुछ 10th की बातें याद आ गई? 10th स्टैंडर्ड में स्टेटिस्टिक में मीन, मीडियन, मोड कैसे ढूंढते थे, वो याद आ रहा है ना? हमें इस बार वही इस चैप्टर में ढूंढने हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमें 3 चीज़ें इसमें ढूंढनी है, मीन, मीडियन, मोड। 10th में ढूंढते थे वैसे ही, इसमें थोड़े से और डिटेल में होगा। एक स्टेप आगे ना 10th से, थोड़ा और डिटेल में होगा। तो चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहला मेजरमेंट देखेंगे मीन। कि मीन मतलब हम लोग उसे सिंबल देते हैं एक्स बार। मीन को क्या कहते हो? एक्स बार कहते हो ना। मीन कैसे ढूंढते हैं? तो उसके लिए नॉर्मली ये फार्मूलाज आती हैं। ये पहले फार्मूलाज हैं जो हम लोग आगे के सम्स में देखेंगे। कि सबसे पहले अगर रॉ डेटा हो, रॉ डेटा का मतलब ये होता है कि जिसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशंस हो, फ्रीक्वेंसीज ना हो। फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई हो, सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिए गए, मतलब खाली नंबर, साथ में फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो फिर मीन ढूंढने की ये फार्मूला आती है कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, मतलब सबका टोटल डिवाइड बाय एन, उतने नंबर्स। ठीक है, इसे नोट कर लेना। आज का ये जो चैप्टर में जो जो सम्स करो ना, हर एक सम बुक में नोट करते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। कि रॉ डेटा के लिए फार्मूला आती है जब सिंपल ऑब्जर्वेशन हो, फ्रिक्वेंसी ना हो, वो क्या ना टेबल नहीं बनानी है, सिंपल क्वेश्चन दिए गए हो। तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। और अगर ग्रुप डेटा हो ना, ग्रुप डेटा मतलब जिसमें ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी भी दी गई हो, फ्रीक्वेंसी भी दी गई हो, तो फार्मूला आती है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, जहाँ एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ना, एक्स मतलब ऑब्जर्वेशन। इसमें खाली ऑब्जर्वेशन आते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी भी आती है। और इसी को ये ग्रुप डेटा में, ग्रुप डेटा के अंदर ही अगर शॉर्टकट मेथड से करना हो, शॉर्टकट मेथड सब में यूज होती है, या तो जब कोई बड़े नंबर्स हो ना, तो उन्हें अगर सिंपल करना हो, तो शॉर्टकट मेथड ये आती है,
एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन मल्टीप्लाई सी। ये शॉर्टकट मेथड, बरोबर। आपको अगर ये मेथड ना करनी हो ना इस चैप्टर में, देखो मैं आगे तो सब समझाऊंगा ही, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ कि आपको अगर ये मेथड नहीं करनी है और सभी सम आपको इसी मेथड से ही करने हैं ना, तो भी आप लोग कर सकते हो। मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा, फिर आपको जो मेथड इजी लगे वो मेथड से करना। रॉ डेटा हो तो ये एक ही फार्मूला है, बरोबर ना, उसमें दूसरी फार्मूला देखना भी मत, ये एक ही सही है सब सम के लिए। लेकिन अगर ग्रुप डेटा हो तो ग्रुप डेटा में ये फार्मूला से भी कर सकते हो और ये शॉर्टकट फार्मूला से भी। मैं दोनों सिखाऊंगा, बरोबर। आपको जो इजी लगे वो मेथड से आप लोग करना फिर सम, ठीक है। तो अब हम लोग इस चैप्टर में एक्सरसाइज 3.1 से शुरुआत करें। एक्सरसाइज 3.1 जो मीन के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखें कि यहाँ दिया हुआ है द वीकली ग्रोथ इन सेंटीमीटर इन सैपलिंग ग्रोन इन एन नर्सरी आर दिस। यहाँ पर कुछ सैपलिंग्स मतलब छोटे छोटे पौधे हैं, हर एक पौधे की वीकली ग्रोथ कितनी है। कोई पौधा एक हफ्ते में एक सेंटीमीटर बढ़ा, कोई 3.2 सेंटीमीटर बढ़ गया, कोई 1.4 सेंटीमीटर बढ़ा, ऐसे सब हैं। तो हमें फाइंड करनी है, फाइंड द मीन ग्रोथ, मतलब उनकी एवरेज ढूंढना है हमें। इसे कहते हैं हमारा रॉ डेटा। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन रॉ डेटा की इन्फॉर्मेशन है। रॉ डेटा मतलब ये सिंपल नंबर, इसमें फ्रीक्वेंसीज नहीं है, सिंपल नंबर्स हैं ये। तो इसमें से अगर हमें मीन फाइंड करना हो ना, तो उसके लिए यही फार्मूला ना, सिग्मा एक्स अपॉन एन। मीन की क्या फार्मूला, सिग्मा एक्स अपॉन एन, मतलब सबका टोटल डिवाइड बाय जितने नंबर हो। याद है पहले के स्टैंडर्ड में ऐसा ही करते थे ना हम लोग, कि सबका टोटल डिवाइड बाय जितने नंबर्स। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हियर एन इक्वल टू 10, मतलब कि यहाँ 10 नंबर हैं। सो एक्स बार ढूंढने की, मीन ढूंढने की फार्मूला आती है सिग्मा एक्स अपॉन एन, जहाँ पर सिग्मा एक्स मतलब सबका टोटल, ये ना 1.0 प्लस 3.2 प्लस 1.4 सबका प्लस डिवाइड बाय एन। डिवाइड बाय एन में कितने नंबर हैं, तो 10। ऊपर सबका प्लस करोगे तो सबका प्लस आएगा 17.8 डिवाइड बाय 10, और 17.8 डिवाइड बाय 10 करो तो आंसर मिल जाएगा 1.78। क्या आंसर मिलेगा उसमें, 1.78। तो ये हमारा मीन मिल गया ना, ये एवरेज मिल गई ना, मीन। मीन ग्रोथ वो इतनी है, मतलब सब प्लांट्स को मिलाकर एवरेजली प्लांट्स 1.78 सेंटीमीटर की ग्रोथ हो रही है। कितना सिंपल है, ठीक है ना। रॉ डेटा हो तो ये सिंपल ही ढूंढता है ना, सिग्मा एक्स अपॉन एन सबका प्लस डिवाइड बाय जितने नंबर्स। ओके, अब ये जैसे हुआ ना, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखें। ध्यान देना, हर क्वेश्चन अलग अलग है तो समझना। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, इसमें ऐसा दिया हुआ है द मीन एज ऑफ 4 पार्टिसिपेंट्स इन अ टर्म ऑफ रिले रेस वॉज कैलकुलेटेड टू बी 24 ईयर्स। कोई एक रिले रेस में, रिले रेस पता है स्कूल में स्पोर्ट्स में शायद खेलते हो आप, देखो चार लोग साथ में दौड़ते हैं, एक जो है वो ये एक स्टिक लेकर एक डंडी लेकर चारों लोग एक दूसरे को पास करते हैं कौन सबसे जल्दी पहुंचे। तो ऐसे रिले रेस में 4 पार्टिसिपेंट हैं और उनका मीन एज मतलब चारों का एज का एवरेज ही दिया हुआ है 24 ईयर्स। लेटर इट वॉज फाउंड दैट वन ऑफ द पार्टिसिपेंट एज वॉज एक्चुअली 27 ईयर्स विच वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 25 ईयर्स। देखो कि चार पार्टिसिपेंट थे ना, चारों का मीन मतलब चारों का एवरेज ही दिया हुआ है 24, एवरेज दिया हुआ ही था, लेकिन फिर पता चला कि उन चार में से एक की एज है ना 27 थी, जो गलती से 25 लिख दी। If there is a rule wherein it is not possible to participate in this race if the mean age is more than 25 years, कहते हैं ऐसा एक रूल है कि अगर मीन एज वो 25 से ज़्यादा हुई ना तो उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाएगा, चारों को टीम से निकाल देंगे अगर चारों का एवरेज 25 से ज़्यादा हुआ तो। सो कैन दे टी कि कैन दे पार्टिसिपेट इन दिस रेस इवन आफ्टर द करेक्शन ऑफ एज। तो कहते हैं कि इसको करेक्ट करो, एक की उम्र 27
थी पर गलती से 25 लिख दी, तो उसे सही करो और चेक करो कि क्या वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, मतलब उनका एवरेज वो 25 से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। मतलब इसमें क्या है कि जो मीन 24 दिया हुआ ना, वो मीन 24 गलत है, हमें करेक्ट मीन ढूंढना होगा और चेक करना होगा कि अगर करेक्ट मीन वो 25 से कम हुआ ना तो वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अगर वो करेक्ट मीन 25 से ज़्यादा हो गया ना तो वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे नहीं, ऐसे हो जाएगा ना फिर। तो देखो आप इसको करेक्शन कैसे करें ये समझना कि इनके सॉल्यूशन में पहले लिखे कि हियर एन इक्वल टू 4, चार लोग होते हैं ना, और उसका एक्स बार ही दिया हुआ है 24, एक्स बार मतलब मीन ही दिया हुआ है 24, लिखा होता है ना कि चारों का एवरेज एज मीन एज 24 है। तो हम लोग उसे ना सबसे पहले इसमें ये सिग्मा एक्स ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे सिग्मा एक्स, चारों का टोटल, चारों की अलग अलग एज कितनी है वो तो नहीं पता है लेकिन चारों का टोटल ढूंढ सकते हैं, या कह सकते हैं कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, जहाँ पे इस फॉर्मूला में एक्स बार की जगह पे लिखेंगे 24, एक्स बार पे 24 ये दिया हुआ है, सिग्मा एक्स ढूंढना है हमें, और एन की जगह पे क्या लिखेंगे अपॉन में 4, एन की जगह पे ये 4 लिखा, तो ये जो 4 डिवाइड में है वो डिवाइड में इस तरफ 24 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मतलब यहाँ सिग्मा एक्स इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई 4 तो उसका आंसर मिल जाएगा 96, मतलब जो चार लोग थे ना उन चारों की एज का टोटल वो 96 है, चारों की एज का टोटल 96 है, ऐसा ढूंढा। बट दिस सिग्मा एक्स इज इनकरेक्ट, पर ये गलत है, बिकॉज इट इज गिवन दैट वन ऑफ द पार्टिसिपेंट एज वॉज एक्चुअली 27 ईयर्स विच वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 25। ये 96 गलत है क्योंकि उन चार में से एक की एज 27 थी जो हमने गलती से 25 लिख दी, तो इसका मतलब ये जो टोटल गलत है 96 उसे करेक्ट करना पड़ेगा ना, हमें क्या ढूंढना होगा करेक्ट सिग्मा एक्स पहले ढूंढना होगा, करेक्ट सिग्मा एक्स ढूंढेंगे कि इस 96 में से जो इनकरेक्ट एज है उसे माइनस कर दें और जो करेक्ट एज है उसे प्लस कर दें, मतलब ये 96 में से इनकरेक्ट एज कौन सी है 25 गलत से लिख दी थी ना, तो 25 माइनस और जो सही है उसे प्लस करें कि ये सही प्लस 27, तो फिर अब करेक्ट कितना मिल गया, करेक्ट सिग्मा एक्स मिल गया 96 में से ये माइनस प्लस, तो आंसर मिला 98, सही बात है ना। कोई चार लोग थे, समझना एकदम सिंपल से एग्जांपल से समझाना, कोई चार लोग हैं ए बी सी डी, ये चारों लोग रेस में थे, चारों की एज कितनी कितनी नहीं पता है लेकिन चारों की एज का एवरेज दिया हुआ था 24, उस 24 पर से चारों की एज का टोटल वो हमने ढूंढ लिया 96, चारों का टोटल, चारों की एज का टोटल 96 हो गया, वो ढूंढ लिया ना, फिर पता चला कि कोई भी एक तो जो था उसका एज तो गलत लिखी हुई थी, तो क्या किया जो उसकी गलत एज थी ना वो माइनस कर दी, गलती से इसको 25 लिख दिया तो 25 माइनस कर दिया और जो सही था वो लिख दिया 27, तो ये जो टोटल था ना 96 में से 25 माइनस और 27 प्लस, तो अब सही चारों की टोटल मिल गया 98। अब जो सही करेक्ट सिग्मा एक्स मिला ना उस पर से हम लोग ढूंढेंगे करेक्ट एक्स बार, नाउ करेक्ट एक्स बार ढूंढे कि एक्स बार की फॉर्मूला क्या, सिग्मा एक्स अपॉन एन, मीन की तो वही फॉर्मूला ना, लेकिन अब यहाँ करेक्ट सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो करेक्ट सिग्मा एक्स कितना है 98, करेक्ट सिग्मा एक्स है 98 और अपॉन एन, एन पे 4, करेक्ट सिग्मा एक्स 98 अपॉन 4, तो 98 को 4 से डिवाइड करो आंसर क्या मिल जाएगा 24.5, मतलब जो पहले एवरेज इनकी 24 आ रही थी ना चारों की, उसे हमने सुधारी और कितनी आई 24.5 आई। अब रूल क्या था कि अगर ये एवरेज 25 से ज़्यादा हो जाता ना तो उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने देते, लेकिन अब इनका एवरेज तो मिला 24.5 तो क्या उन्हें पार्टिसिपेट करने देंगे, देंगे ना,
तो यहाँ लिखेंगे ना हियर मीन इज नॉट मोर देन 25 ईयर्स, जो मीन जो एवरेज मिला 25 से ज़्यादा नहीं है, सो दे कैन पार्टिसिपेट इन द रेस इवन आफ्टर द करेक्शन ऑफ एज. हमने करेक्शन किया ना, फिर भी वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे. बरोबर हुआ ना सिंपल सॉल्यूशन ये. अब ऐसे ही एक्सरसाइज में थर्ड क्वेश्चन. तो अब थर्ड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डायमीटर इन मिलीमीटर ऑफ डिफरेंट स्क्रू सिलेक्टेड फ्रॉम द लार्ज कंसाइनमेंट, फाइंड द मीन डायमीटर. कोई बड़ा कंसाइनमेंट है, मतलब बड़ा सा कोई जो है वो पार्सल है, उसमें से अलग अलग साइज के अलग अलग डायमीटर के स्क्रू हैं, जो स्क्रू आते हैं ना, हमें उसका मीन फाइंड करना है. अब यहाँ पर है ना, इनमें डायमीटर ऑफ स्क्रू के साथ नंबर ऑफ स्क्रू भी है, तो ये नंबर ऑफ स्क्रू मतलब पता है कि ये फ्रीक्वेंसी भी दी गई है. इसे हम लोग कहते हैं वो ग्रुप डेटा, जो आगे हमने क्वेश्चन में फॉर्मूलाज में देखा था ना, ये ग्रुप डेटा है कि यहाँ खाली नंबर नहीं दिए हुए. पहला वाला क्वेश्चन कैसे था, उसमें सिंपल नंबर थे, अब इसमें इन नंबर के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी है, तो इसमें वो फॉर्मूला लगाएंगे ग्रुप डेटा वाली. ठीक है, यहाँ ऐसा है कि जैसे डायमीटर ऑफ स्क्रू के भाई 30 मिलीमीटर वाले जो डायमीटर के स्क्रू है ना, वो 4 स्क्रू हैं, 35 मिलीमीटर वाले 10 स्क्रू हैं, 40 मिलीमीटर वाले 15 स्क्रू हैं, ऐसे सब दिया हुआ है ना. तो मतलब ये एक्स ऑब्जर्वेशन के साथ ये एफ फ्रीक्वेंसी भी दी गई है. तो इनका जो सॉल्यूशन लिखे ना, तो ऐसा जब ग्रुप डेटा हो तो सॉल्यूशन में हमें टेबल बनाना पड़ेगा. ठीक है, ऐसा टेबल तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक्स बार की फॉर्मूला क्या आती है. मैंने इसलिए बोला, आप लोग है ना फॉर्मूला पहले एक पेज पे लिख दो, तो वीडियो के साथ साथ वो फॉर्मूला भी आपके सामने रहे, तो आपको है ना समझने में इजी रहेगा कि हमारी एक्स बार की फॉर्मूला थी ये ग्रुप डेटा के लिए, कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला थी. तो इस फॉर्मूला के लिए हमें सिग्मा एफ एक्स ढूंढना पड़ेगा, सिग्मा मतलब टोटल एफ एक्स का. तो इसके लिए इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे टेबल में, सबसे पहले डायमीटर ऑफ स्क्रू जिसे एक्स कहेंगे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 30, 35, 40, 45, 50, 55, और नंबर ऑफ स्क्रू फ्रिक्वेंसी ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 30 डायमीटर वाले 4 स्क्रू, 35 डायमीटर वाले 10 स्क्रू हैं. और यहाँ आपको एक नई चीज़ ढूंढनी होगी, वो होगी एफ एक्स. क्या ढूंढना होगा, एफ एक्स. एफ एक्स मतलब एफ और एक्स का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई. जैसे 30 मल्टीप्लाई 4 तो ये 120, फिर 35 मल्टीप्लाई 10 तो 350, 40 मल्टीप्लाई 15 तो 600, 45 मल्टीप्लाई 8 तो 360, ऐसे इनका टोटल ढूंढना, मल्टीप्लाई ढूंढना होगा. और फॉर्मूला में चाहिए होता है सिग्मा एफ एक्स. सिग्मा एफ एक्स मतलब ये एफ एक्स का टोटल, ये जो एफ एक्स मिला ना उसका टोटल, इन सब का टोटल यहाँ मिल जाएगा ना ये टोटल. और अपॉन में एन, अपॉन में एन मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी का टोटल, अपॉन में एन, एन मतलब नंबर्स, तो ये जो नंबर ऑफ स्क्रू है ना उनका टोटल, कि भाई टोटल कितने स्क्रू हैं, कि भाई इतने सेंटीमीटर वाले इतने स्क्रू, इतने सेंटीमीटर वाले इतने स्क्रू, तो टोटल कितने स्क्रू हैं 45 हैं. तो फार्मूला में इन दोनों का डिवाइड करेंगे 1845 और 45 का. टेबल समझ में आई ना, ये एक्स दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, और एफ एक्स पहले ढूंढना है. ये एफ एक्स मिल जाए तो एफ एक्स का टोटल और एफ का टोटल. तो अब इसे फार्मूला में रखें, तो फॉर्मूला में अब एक्स बार ढूंढेंगे, तो एक्स बार की अब फॉर्मूला कौन सी, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. ये फॉर्मूला से ना कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, जहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का टेबल पर से क्या आंसर मिला था, टोटल 1845, और अपॉन में एन, तो अपॉन में एन कितना था टोटल 45. एफ का टोटल आपने किया था ना वो 45, तो 1845 डिवाइड बाय 45 तो आंसर 41. एक्स बार कितना 41, मीन्स द मीन डायमीटर ऑफ स्क्रू इज 41 मिलीमीटर. तो उसका डायमीटर, मीन डायमीटर एवरेज कितना मिला 41. है ना सिंपल, कि जब फ्रीक्वेंसी भी दी गई हो तो एफ एक्स अपॉन एन, ये फार्मूला रखेंगे. ऐसे ही अब क्वेश्चन 4 देखें.
क्वेश्चन फोर में भी ऐसा ही है. द मार्क्स इन द टेस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आर एज फॉलो. फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ दिस स्टूडेंट. यहाँ पर सबके मार्क्स दिए हुए हैं और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दिए हुए हैं. ये भी ग्रुप डेटा कहलाया, लेकिन इस ग्रुप डेटा में यहाँ पर ये सब ग्रुप दिए हुए, क्लास दिए हुए. जैसे 0 to 10, तो 0 to 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं? 3 स्टूडेंट हैं. 10 to 20 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं? 5 स्टूडेंट हैं. 20 to 30 वाले 12 स्टूडेंट. 30 to 40 वाले 16. 40 to 50 में 11. 50 to 60 में 5. और 60 to 70 वाले 4 स्टूडेंट हैं. ऐसे ये सब दिया हुआ है ना, और इस पर से मीन मार्क्स, मीन एवरेज ढूंढना है. तो अब देखो, अब यहाँ पॉइंट ध्यान से सुनना कि जब भी ऐसा पॉइंट हो ना हमारा, ऐसा ये पॉइंट हो ना, मतलब ये क्लास दिया हुआ है ना, तो आप शॉर्टकट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो और नॉर्मल फार्मूला, fx वाली फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो. शॉर्टकट फार्मूला में fd वाली फार्मूला आती है और सिंपल फार्मूला में fx वाली फार्मूला आती है. तो ये सब मैं सिंपल फार्मूला से करवा रहा हूँ. जब भी ये क्लास हो 0 to 10, 10 to 20, तो उसमें शॉर्टकट फार्मूला और सिंपल फार्मूला दोनों यूज़ कर सकते हो. मैं ये सम सिंपल फार्मूला से करते हैं और आगे के सम हम लोग शॉर्टकट फार्मूला से करेंगे. आपको आगे के सम भी सिंपल फार्मूला से करने हो या ये वाला सम भी शॉर्टकट फार्मूला से करना हो तो भी कर सकते हो, ठीक है ना. कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हो, आंसर तो सेम ही मिलेगा आपको. वो डिपेंड आपके ऊपर, गलत मेथड कोई भी नहीं है. मैं ये सिंपल फार्मूला से भी बताता हूँ और आगे के सम में यही शॉर्टकट फार्मूला से भी बताता हूँ, ठीक है. तो ध्यान देना, इसमें हम लोग पहले सिंपल फार्मूला से अगर देखें तो कैलकुलेशन टू फाइंड मीन में यहाँ मार्क्स दिए हुए हैं, क्लास दिए हुए हैं ना आपको क्वेश्चन में. टेबल बनाएंगे हैं ये बुक में, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ये मार्क्स दिए हुए हैं. साथ में नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये फ्रिक्वेंसी कहते हैं, एफ कहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी ये भी दी हुई है आपको. अब फार्मूला हमें चाहिए होता है एफ एक्स. आपकी फार्मूला क्या थी? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. तो एफ एक्स में ना एफ ये है, एक्स कहाँ पर है? ये एक्स थोड़ी है, ये तो क्लास दिए हुए हैं. तो इसीलिए इसमें हमें पहले एक्स ढूंढना होगा. आगे वाला क्वेश्चन कैसा था? थर्ड वाला क्वेश्चन कैसा था? उसमें आपको एक्स ही दिए हुए थे ना नॉर्मल, तो एक्स और एफ का मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसमें आपको यहाँ पर x ढूंढना होगा. जो x हम लोग किसे कहते हैं? मिड वैल्यू को कहते हैं. मिड वैल्यू मतलब कि इन मार्क्स की, इन क्लास की मिड वैल्यू. तो उस पर से ये x मिल जाएगा. अब मिड वैल्यू कैसे ढूंढते हैं? जैसे कि पहला क्लास है ना, मिड वैल्यू ढूंढनी हो तो दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 करते हैं. दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 मतलब 0 + 10 डिवाइड बाय 2. तो 10 / 2 कितना होगा? 5. तो मिड वैल्यू ये x मिल गई 5, है ना. 0 और 10 के बीच में 5 ही आया ना. फिर इसकी मिड वैल्यू भी ढूंढ सकते हो. 10 और 20 है तो 10 और 20, 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, दोनों का प्लस डिवाइड 2. तो 10 और 20 30 डिवाइड 2, तो 30 डिवाइड 2 15. ऐसे सबकी मिड वैल्यू ढूंढ सकते हो ना. 20 और 30 में भी ढूंढ सकते हो. तो जनरल लॉजिकली भी पता चलता है हमें कि 20 और 30 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 25. सही बात है ना. 30 और 40 के बीच में कौन सा आएगा? तो 35 आएगा. सीधी सी बात ना. नहीं तो दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2. 30 और 40 70 डिवाइड बाय 2, तो 35 मिलेगा ना. ऐसे बराबर ना. तो देखो यहां ये मिड वैल्यू भी मिल जाए ना एक्स, फिर आप लोग जैसे आगे थर्ड सम में किया था वैसे एफ एक्स ढूंढ लेंगे. ये सिंपल मेथड. और ये उल्टा शॉर्टकट मेथड से है ना, ये मेथड ज़्यादा सिंपल रहती है कि एफ एक्स ढूंढ लो. एफ एक्स मतलब एफ और एक्स का मल्टीप्लाई. जैसे 3 और 5 का मल्टीप्लाई, 3 × 5 = 15, या 5 और 15 = 75, 12 और 25 तो 300. ऐसे सबका कर दिया ना मल्टीप्लाई. फिर टोटल में ये एफ एक्स का टोटल, ये एफ एक्स का टोटल, और यहाँ पर ये एफ का टोटल, ठीक है, एफ एक्स का और एफ का टोटल, बराबर. और ये जो टोटल मिले तो इस टोटल को हम लोग फिर फार्मूला में यूज़ करेंगे. होगा ना फार्मूला में यूज़, कि जहाँ पर
x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये फार्मूला कि जहाँ सिग्मा एफ एक्स पे वो टोटल लिखेंगे, एफ एक्स का टोटल 1980 और अपॉन में एन, एन मतलब वो एफ का टोटल, एक्स का टोटल नहीं करना है, ध्यान रखना एक्स का टोटल नहीं, एफ का टोटल मिल जाएगा 56, तो 1980 डिवाइड बाय 56 आंसर मिला 35.36, मीन्स द मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज 35.36, एवरेज कितने मार्क्स हुए तो 35.36 हुए, बरोबर समझ आया ना। तो देखो क्लास भी दिए हुए हो तो भी ये सिंपल मेथड से ही कर सकते हैं ना, शॉर्टकट फार्मूला की जरूर नहीं है, सिर्फ क्लास हो ना तो पहले उसका मिड पॉइंट ढूंढ लिया करो तो एक्स मिल जाएगा और फिर एफ और एक्स का मल्टीप्लाई, सबसे सिंपल एकदम ऐसे। देखो अब दूसरा एक फार्मूला देखें, तो ये है क्वेश्चन 5 में, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द टॉक टाइम इन मिनट नोटेड फॉर 70 कॉल ऑफ अ सर्टेन मोबाइल फोन यूजर्स, फाइंड द मीन टॉक टाइम। यहाँ पर कोई जो है क्या कहते हैं कि भाई टॉक टाइम का यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि जहाँ पर टॉक टाइम लेस देन 4, 4 मिनट से कम बात करने वाले कितने कॉल हैं, तो 20 कॉल हैं जो 4 मिनट से कम बात करते हैं। लेस देन 8 मतलब 8 मिनट से कम बात करने वाले कितने कॉल हैं, तो 42 कॉल ऐसे हैं जो 8 मिनट से कम बात करते हैं, ऐसे ये सब इन्फॉर्मेशन दी गई है। हमें इस पर से मीन टॉक टाइम ढूंढना है, मीन टॉक टाइम, तो इसे भी आप सिंपल फार्मूला से भी कर सकते हो और शॉर्टकट फार्मूला से भी, लेकिन इसमें कोई भी फार्मूला यूज़ करो, पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन में पता है सब लेस देन दिए हुए हैं, इसका मतलब ये नॉर्मल क्लास नहीं है और ये नॉर्मल फ्रिक्वेंसी नहीं है, ये नीचे जो फ्रिक्वेंसी दी गई है वो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। सेकेंड चैप्टर में वो लेस देन और मोर देन वाली फ्रिक्वेंसीज ढूंढते थे ना, तो ये वो फ्रिक्वेंसीज दी गई हैं, बरोबर। तो यहाँ से हमें पहले नॉर्मल फ्रिक्वेंसीज ढूंढनी होगी, ये नॉर्मल फ्रिक्वेंसी कैसे ढूंढेंगे, तो पहले तो नॉर्मल क्लास ढूंढना होगा उस पर से कि यहाँ जो सब नंबर है ना लेस देन 4, 8, 12, 16, 20 सब में लेस देन दिया हुआ है, सब में देखो तो 4-4 का गैप है, सब में 4-4 का गैप है ना, 4, 8, 12, 16, 20 इस गैप के हिसाब से हम लोग नॉर्मल क्लास बना सकते हैं 0-4, 4-8, 8-12, 12-16, 16-20 ऐसे नॉर्मल क्लास बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। लेस देन फोर फोर से कम तो हम लोग क्लास बना सकते हैं 0-4, तो 4 से कम हुआ ना, समझे ना, ऐसे क्लास बना सकते हैं ना हम लोग इस पे। और फ्रिक्वेंसी भी ये है ना, ये CF फ्रिक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, तो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी कैसे ढूंढते हैं, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी में पहला 20 लिखकर दूसरा माइनस करते जाते हैं नॉर्मल फ्रिक्वेंसी। ये सेकेंड चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन आता था कि नॉर्मल फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी हो तो माइनस करते जाएंगे, 42 माइनस 20, फिर 57 माइनस 42, 65 माइनस 57 और 70 माइनस 65 ऐसे। तो ये अगर हम लोग फिर टेबल में लिखे ना, ये क्वेश्चन आप लोग बुक में सामने रखना, मैं फिर बताता जाऊंगा उसमें कि अब इनका जो सॉल्यूशन हम लोग लिखे ना, तो वो सॉल्यूशन में ऐसा आएगा कि सबसे पहले हियर लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इज गिवन, यहाँ पर लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, सो वी हैव टू फाइंड अ ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी फर्स्ट, तो पहले हमें ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी में पहले ही हम लोग क्लास बनाएंगे, क्लास में है ना जैसे मैंने बताया लेस देन 4 था तो उसे 0-4, फिर लेस देन 8 था तो उसे 4-8 ऐसे कर दिया ना, 4-8, फिर 8-12, फिर 12-16 और 16-20 आखिरी तक 4-4 का गैप बना दिया ना, ये ओरिजिनल क्लास बना है। और ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी भी बनाएंगे, एफ भी बनाएंगे। ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी कैसे, आपके क्वेश्चन में देखो कि उसमें पहले 0-4 जो लेस देन 4 दिया हुआ है, मतलब 0-4 ही हुआ, तो उसमें पहला नंबर 20 लिखेंगे,
फिर 4 to 8 के लिए ना फिर माइनस करते जाएंगे, जैसे 42 - 20 तो 22 आ जाएगा, बराबर ना। फिर जैसे 67 - 42 दिया हुआ है ना, तो उसमें 15 है कि नहीं। फिर जो दूसरा नंबर है उसमें से -65 तो 8 बचेगा। फिर आखिरी में 70 - 65 तो 5 बचेगा। तो ऐसे ये फ्रीक्वेंसी मिली ना एक एक का माइनस करते हुए, देखा ना टेक्स्ट बुक में। अब ये जो फ्रीक्वेंसी मिली तो अब क्लास और फ्रीक्वेंसी मिल गई तो फिर नॉर्मल जैसे मेथड से करते हैं उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले मिड वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स, ये तो फ्रीक्वेंसी मिली एफ, अब मिड वैल्यू ढूंढें। मिड वैल्यू कैसे? तो इन क्लास की मिड वैल्यू, क्लास में दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2। जैसे 0 + 4 तो 0 + 4 = 4, 4 - 2 तो 4 - 2 = 2 मिलेगा। फिर 4 + 8 = 12, 12 - 2 तो 12 - 2 = 6 मिलेगा। तो ऐसे हम लोग सबकी ये मिड वैल्यू भी ढूंढ लेंगे ना, नहीं तो बताए इसमें 4 - 4 का गैप है ना, तो एक मिड वैल्यू ढूंढ के फिर 4 - 4 प्लस करते जाते हैं, 2 और 4 = 6, 6 और 4 = 10, 10 और 4 = 14, ऐसे ना पता चले तो नॉर्मल मिड वैल्यू ढूंढा करो, दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 सब में। जब ये एक्स भी मिल जाए तो आखिरी में ढूंढते हैं एफ एक्स। एफ एक्स मतलब ये एफ और एक्स का मल्टीप्लाई, 20 * 2, 22 * 6, 15 * 10, ऐसे ये एफ एक्स। और क्या करते हैं फिर टोटल में, ये सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स का टोटल ढूंढते हैं इन सब नंबर का प्लस, और ये एफ का टोटल ढूंढते हैं ये एफ में सबका प्लस। और ये जो दोनों टोटल मिल जाए तो इसे लिखते हैं हम लोग फार्मूला में, वही फार्मूला कि एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स का टोटल कितना मिला टेबल पर, 524, और अपॉन एन, एन का टोटल 70, और 524 डिवाइड बाय 70 तो आंसर मिला 7.49। बराबर ना, कैलकुलेटर में आप चेक कर लो कि 7.49, सो द मीन टॉक टाइम इज 7.49 मिनट। तो मीन टॉक टाइम एवरेज कितना हुआ, 7.49 मिनट मिला। बराबर, समझ आई बात ये? ठीक है, तो आज जैसे हमने ये सम्स देखे ना, उसमें हमने मीन ढूंढने की दो सिंपल फार्मूला देखी, एक रॉ डेटा के लिए और एक ग्रुप डेटा के लिए सिंपल फार्मूला। अब जो शॉर्टकट फार्मूला है ना, आप कोई भी सम शॉर्टकट फार्मूला से भी कर सकते हो, तो वो शॉर्टकट फार्मूला अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।